हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल वेल। एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस योर एडीआर पोर्शन एडवर्स ड्रग रिएक्शन पार्ट टू। आइए देखते हैं इसमें क्या है। साइड इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, पार्ट वन में मैंने क्या क्या बताया था, एडीआर क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशंस बताई थी, उनके क्लासिफिकेशंस बताए थे। अब हम लोग देखते हैं साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। अनवांटेड बट ऑफन अनअवॉइडेबल फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट दैट अकर एट थेरेप्यूटिक डोजेस। ये जो होते हैं अनवांटेड होते हैं, कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई आपने कोई ड्रग ली उसके कोई भी साइड इफेक्ट्स हो। अनवांटेड बट ऑफन अनअवॉइडेबल, बट इनको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट दैट अकर एट थेरेप्यूटिक डोजेस प्रिडिक्टेड फ्रॉम द फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल ऑफ अ ड्रग नोन टू अकर इन गिवन परसेंटेज ऑफ ड्रग रेसिपिएंट। हम लोगों ने कोई एक सर्टेन अमाउंट में ड्रग ली, उससे ज़्यादा अगर कोई ड्रग हो गई, ठीक है, एक ड्रग लेने के बाद उसके जो भी ADRs प्रोड्यूस होते हैं, जो भी साइड इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम लोग साइड इफेक्ट्स कहते हैं। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, जो भी थेरेप्यूटिक इफेक्ट के बाद जो भी अनवांटेड इफेक्ट शो होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड साइड इफेक्ट। एग्जाम्पल्स इनके क्या क्या हो सकते हैं, आइए देखते हैं। साइड इफेक्ट बेस्ड ऑन थेरेप्यूटिक इफेक्ट, एट्रोपिन्स जो होते हैं प्री एनास्थेटिक होते हैं, इससे ड्राइनेस ऑफ माउथ हो सकता है, ठीक है। एंड एसिटाजोलामाइड जो होते हैं वो डायूरेटिक बाइकार्बोनेट एक्सक्रीट होते हैं, एसिडोसिस कॉज करते हैं। साइड इफेक्ट बेस्ड ऑन डिफरेंट एक्शन, प्रोमेथाजिन जो होते हैं एंटी एलर्जिक होते हैं, सेडेशन कॉज करता है बॉडी में। एस्ट्रोजन जो होते हैं वो नोजिया कॉज करता है डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट में। कोडीन जो होते हैं वो एंटी टेसिव एजेंट्स होते हैं और ये हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं सेकेंडरी इफेक्ट्स क्या होते हैं। सेकेंडरी इफेक्ट्स इज ऑल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ प्राइमरी एक्शन ऑफ ड्रग। देखिए, कोई भी ड्रग होती है पहले वो अपना एक प्राइमरी एक्शन शो करती है, उसकी थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो करती है, उसके बाद वो अपना एक सेकेंडरी इफेक्ट शो करती है, दैट इज़ कॉल्ड। देखिए, एग्जाम्पल से समझिए, टेट्रासाइक्लिन जब आपकी बॉडी में जाती है तो वो क्या करती है, वो सप्रेशन ऑफ बैक्टीरियल फ्लोरा सुपर इन्फेक्शन कॉज करती है। देखिए, जब टेट्रासाइक्लिन आपने ली और वो जाके आपकी बॉडी में जो गुड फ्लोराज होते हैं, जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं GI के, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के, उसमें से जाके उसको सप्रेस कर देती है ताकि फर्दर डाइजेशन को वो इफेक्ट करती है, इससे सुपर इन्फेक्शन कॉज होता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, वीकेंड होस्ट डिफेंस, एक्टिवेशन ऑफ लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस। टॉक्सिक इफेक्ट आइए देखते हैं क्या होते हैं। देखिए, रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द ड्रग ड्यू टू ओवरडोज और प्रोलॉन्ग डोज। देखिए, कोई भी ड्रग होती है वो आपकी बॉडी में जाती है, वो इस डिज़ायर से ली जाती है कि वो अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो करेगी, बट उसको अगर आपने ओवरडोज ले लिया तो वो जाके आपकी बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगी, ठीक है। ओवरडोज मे बी एब्सोल्यूट हो सकती है, एब्सोल्यूट में क्या होता है, एक्सीडेंटल होता है, होमिसाइडल होता है, सुसाइडल होते हैं। एक्सीडेंटल, बाय चांस आपने एक डोज ले ली, उसके बाद आपको याद नहीं रहा, आपने बाय चांस दूसरी डोज ले ली, दैट इज़ कॉल्ड एक्सीडेंटल टॉक्सिक इफेक्ट। होमिसाइडल क्या होता है, किसी ने जानबूझ के आपको एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा ड्रग दे दी। सुसाइडल में क्या होता है, सुसाइडल कंडीशन में आपने ज़्यादा ड्रग जानबूझ के ले ली है, दैट इज़ कॉल्ड सुसाइडल टॉक्सिक इफेक्ट। डोजेस फॉर्म, देखिए, रिजल्ट फॉर्म एक्सटेंशन ऑफ थेरेप्यूटिक इफेक्ट में क्या होगा, बारबिट्यूरेट्स होते हैं वो जो कोमा कॉज करते हैं। डिजॉक्सिन से क्या होगा, कंप्लीट AV ब्लॉक हो जाएगा। हिपेरिन क्या होगा, ब्लीडिंग को कॉज करेगा। फंक्शनल ऑल्ट्रेशन में क्या होगा, एट्रोपिन होगा। ड्रग इंड्यूस्ड टिश्यू डैमेज में पैरासिटामॉल, हिपेटिक नेक्रोसिस। देखिए, मैंने बताया आपको पैरासिटामॉल एक सर्टेन अमाउंट में ही लिया जाता है, अगर आपने एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा पैरासिटामॉल लिया है तो वो हिपेटिक नेक्रोसिस, मतलब आपको लिवर, जो आपका लिवर होता है उसको डैमेज कर सकता है, ठीक है। इनटॉलरेंस क्या होता है, आइए देखते हैं। अपियरेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ अ ड्रग इन एन इंडिविजुअल एट थेरेप्यूटिक डोज। जो भी आपकी बॉडी में ड्रग जाती है, ठीक है, बट आपकी बॉडी वो टॉलरेट नहीं कर पाती है, जो उसका डिजायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट है वो बॉडी आपकी टॉलरेट नहीं कर पा रही है। कन्वर्स ऑफ टॉलरेंस एंड इंडिकेटेड लो थ्रेशोल्ड ऑफ इंडिविजुअल, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं क्या होता है। ट्राइफ्लू प्रोमाजीन होती है, सिंगल डोज ली जाती है, ये मसल डिस्टोनशिया कॉज करती है कुछ इंडिविजुअल्स में। क्लोरोक्वीन जो होती है सिंगल टैबलेट ली जाती है, ये वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन इन सम इंडिविजुअल कॉज करता है, ये इंटॉलरेंस कॉज करता है बॉडी में आपके, ठीक है।
ये जो ड्रग्स होती हैं। आइडियोसिंक्रेसी क्या होता है ये देखते हैं, जेनेटिकली डिटरमाइंड अबनॉर्मल रिएक्टिविटी टू ए केमिकल। जब देखिए आपकी बॉडी कोई एक पर्टिकुलर केमिकल है उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी ये शो करती है, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, ठीक है। ये मेनली जाके आपके जीनोम में डिफरेंसेस कॉज करता है। सर्टन बिजायर ड्रग इफेक्ट ड्यू टू पीक्युलैरिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर विच नो डेफिनेट जीनोटाइप हैज़ बिन डिस्क्राइब आर ऑल्सो इंक्लूडेड। ये कोई पर्टिकुलर जीनोटाइप इसमें डिस्क्राइब नहीं होते, बट कोई जो केमिकल यूज होता है वो आपके जीनोम्स में जाके डिफरेंसेस कॉज करता है। ड्रग इंटरेक्ट विद सम यूनिक फीचर्स ऑफ द इंडिविजुअल नॉट फाउंड इन मेजोरिटी सब्जेक्ट्स एंड प्रोड्यूसेस द अनकैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल्स इसके क्या क्या होते हैं, बारबिट्यूरेट्स होते हैं, एक्साइटमेंट एंड मेंटल कन्फ्यूजन इन सम इंडिविजुअल। जो बारबिट्यूरेट्स लेने के बाद आपके अंदर एक्साइटमेंट हो जाती है या मेंटल कन्फ्यूजन हो जाते हैं कुछ लोगों में। क्विनिन क्या होते हैं, क्रैम्प्स, डायरिया, अस्थमा, वेस्कुलर कोलैप्स इन सम इंडिविजुअल, ठीक है। ड्रग एलर्जी क्या होती है, किसी पर्टिकुलर ड्रग से आपको एलर्जी है। देखिए आप कुछ लोग होते हैं उनको एंटीबायोटिक से एलर्जी होती है, स्टेरॉइड से एलर्जी होती है, तो वो ड्रग एलर्जी कहलाता है। क्यों, इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड रिएक्शन प्रोड्यूसिंग स्टीरियोटाइप सिम्टम अनरिलेटेड टू द फार्माकोडायनेमिक प्रोफाइल ऑफ द ड्रग। देखिए इसमें क्या होता है, जनरली अकर व्हेन मच स्मॉलर डोजेस आल्सो कॉल्ड एज ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी। देखिए ड्रग एलर्जी को ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी कहा जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक एंटीबायोटिक हर किसी को सूट करे, बट अगर आपने वो एंटीबायोटिक ले ली है तो वो ड्रग जाके आपकी बॉडी में एलर्जी कॉज करेगी या हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करेगी। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ईचिंग होने लगेगी, रेडनेस ऑफ आइज हो जाएगा, ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाएगा, और भी कई सारे एलर्जिक रिएक्शंस हैं जो वो ड्रग कॉज करेगा। इसके टाइप्स देखिए, टाइप वन होगा इमीडिएट एनाफाइलेक्टिक, इसमें जो इम्यूनोग्लोबिन यूज़ होगा, IgE यूज़ होगा, पेनिसिलिन एनाफाइलेक्सिक रिएक्शन शो करेगा। टाइप टू में क्या होगा, साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडीज IgG एंड IgM, मिथाइल डोपाइस के एग्जांपल्स होंगे, हीमोलिटिक एनीमिया कॉज करेगा। टाइप थ्री में जो होगा क्या होगा, सीरम सिकनेस होगा, इसमें जो इम्यूनोग्लोबिन यूज़ होगा IgG IgM, ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कॉज करेगा। प्रोकेनामाइड जो होगा इंड्यूस ल्यूप्स, ठीक है। ये जो इतने टाइप वन से लेकर टाइप फोर तक है ये ह्यूमरल इम्यूनिटी को शो करेगा, ठीक है। टाइप फाइव जो होगा डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी टी सेल्स को इफेक्ट करेगा, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कॉज करेगा। इसमें एग्जांपल्स क्या होंगे, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, ठीक है। फोटो सेंसिटिविटी आइए देखते हैं क्या होता है, क्यूटेनियस रिएक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द ड्रग इंड्यूस सेंसिटाइजेशन ऑफ द स्किन टू यूवी रेडिएशन, दीज रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप। देखिए कोई ड्रग आपने ली, वो ड्रग लेने के बाद आपकी बॉडी बहुत ही फोटो सेंसिटिविटी कॉज करेगी, मतलब जो यूवी रेडिएशंस होती हैं जब आप सनलाइट में जाते हैं और यूवी रेडिएशंस आप पे पड़ती हैं तो आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट सेंसिटिविटी कॉज करेगी, ठीक है। ये टू टाइप्स की होती हैं, फोटोटॉक्सिक होते हैं, फोटो एलर्जिक होते हैं। फोटोटॉक्सिक में क्या होते हैं, ड्रग और इट्स मेटाबोलाइट्स एक्यूमुलेट इन द स्किन, अब्जॉर्ब लाइट एंड अंडरगो ए फोटोकेमिकल रिएक्शन रिजल्टिंग इन लोकल टिश्यू डैमेज। एग्जाम्पल्स के होंगे सनबर्न लाइक एरिथिमा, एडिमा, ब्लिस्टरिंग, हाइपर पिगमेंटेशन, ये इसके एग्जांपल्स होंगे फोटोटॉक्सिक इफेक्ट के। टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, एंड टार प्रोडक्ट, नेलिडिक्सिक एसिड है, ये सल्फोन्स हैं, ये इसके ये मेडिसिन हैं जिनको लेने के बाद फोटोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है आपकी बॉडी में। फोटो एलर्जिक क्या होगा, ड्रग और इट्स मेटाबोलाइट इंड्यूस इन सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्सेज विच ऑन एक्सपोजर टू लाइट लॉन्गर वेवलेंथ, जो वेवलेंथ होती हैं वो लॉन्गर वेवलेंथ में जो जो यूवी लाइट से बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, प्रोड्यूस ए एक्जिमेटिस कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस लाइक पिक्चर, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं सल्फोनामाइड्स हैं एंड क्लोरोक्विंस हैं, क्लोरोप्रोमाजीन है, ये एग्जाम्पल्स हो जाएंगे फोटो एलर्जिक जो इफेक्ट आपकी बॉडी में कॉज होंगे। ड्रग डिपेंडेंस क्या होगा आइए देखते हैं, ड्रग्स कैपेबल ऑफ ऑल्टरिंग मूड एंड फीलिंग आर लाइबल टू रिपीटेटिव यूज टू ड्राइव यूफोरिया विड्रॉल फ्रॉम रियलिटी सोशल एडजस्टमेंट एक्सेट्रा। ड्रग डिपेंडेंस क्या होता है, देखिए आप कोई ड्रग ले रहे हैं उससे आपकी बॉडी में बहुत ही जो आपको डिज़ायर थी कि ये इफेक्ट हमारी बॉडी में ये इफेक्ट शो हो, तो वो इफेक्ट शो हुए तो यूफोरिया की कंडीशन क्या होती है कि बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि हाँ ये मैंने मेडिसिन ली है तो इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, ठीक है।
तो दिस इज़ कॉल्ड ड्रग डिपेंडेंस। तो फिर आप उस ड्रग पे डिपेंड हो जाएंगे कि हाँ मुझे अगर ये प्रॉब्लम हुई तो मैं इस दवा के अलावा कोई और दवा नहीं लूँगा। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस क्या हो जाएगा, एक साइकोलॉजिकल आपका माइंडसेट हो जाता है कि मैंने अगर ये कंडीशन में मैंने ये मेडिसिन ली तभी मुझे इफेक्ट शो होगा। इंडिविजुअल बिलीव दैट ऑप्टिमल स्टेज ऑफ वेल बींग इज अचीव ओनली थ्रू द एक्शन ऑफ द ड्रग। केवल यही ड्रग लेने पर मुझे डिजायर्ड एक्शन उससे मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल ओपोइड्स एंड कोकेन। फिजिकल डिपेंडेंस क्या होगा, ऑल्टर्ड फिजियोलॉजिकल स्टेट प्रोड्यूस बाय द रिपीटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग विच नेसेसिटेट द कंटिन्यूड प्रेजेंस ऑफ ड्रग टू मेंटेन फिजियोलॉजिकल इक्विलिब्रियम। डिसकॉन्टिन्यूएशन ऑफ द ड्रग रिजल्ट इन कैरेक्टरिस्टिक्स विदड्रॉल सिंड्रोम। देखिए इसमें फिजिकल डिपेंडेंस क्या होगी कि आप फिजिकली उस पर डिपेंड हो गए उस ड्रग पर, बट जब आपने वो जैसे एपिलेप्टिक की कंडीशन होती है, एपिलेप्सी होती है, आपने ड्रग्स ली, आपके सीजर्स वगैरह सब कंट्रोल में, बट आपने सडनली उसको विदड्रॉ कर लिया बॉडी से, सडनली आपने स्टॉप कर दिया उसको लेना, तो वो विड्रॉल सिम्टम कॉज करेगी, सीजर्स आने लगेंगे और सारे प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में क्रिएट होंगे। एग्जांपल्स हैं ओपोइड्स एंड बारबिट्यूरेट्स, अल्कोहल ड्रग एब्यूज। क्या होता है, यूज ऑफ ड्रग बाय सेल्फ मेडिकेशन इन अ मैनर अमाउंट दैट डेविएट फ्रॉम अप्रूवल मेडिकल एंड सोशल पैटर्न इन अ गिवन कल्चर एट अ गिवन टाइम। ड्रग एब्यूज रिफर टू एनी यूज ऑफ इलेक्ट ड्रग। देखिए कोई भी ड्रग आपको नहीं लेनी है, ठीक है, बट आपने फिर भी उसको ले रखी है, सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं कि हाँ अगर मुझे ये प्रॉब्लम हुई तो मैं ये अपने मन से दवाइयाँ ले लेना, दैट इज कॉल्ड ड्रग अब्यूज। ड्रग एडिक्शन क्या होगा, कंपल्सिव ड्रग यूज कैरेक्टराइज बाय ओवरवेलमिंग इन्वॉल्वमेंट विद द यूज ऑफ ड्रग। देखिए ड्रग एडिक्शन क्या होगा, मुझे पता है कि मुझे ये डिजीज हुई तो मैं इसके लिए ये ड्रग, मैं एडिक्ट हो गई हूँ कि हाँ अगर ये डिजीज हो तो तुरंत वो ड्रग ले लूंगी, ठीक है, वो एडिक्शन हो जाएगा। ड्रग हैबिचुएशन क्या होगा, हैबिट है कि हाँ ड्रग सिम्टम थोड़े बहुत भी कॉज हुए और मैंने ये ड्रग ले ली, बट जो ड्रग हैबिचुएशन की जो कंडीशन होती है वो फेटल कंडीशन नहीं होती है, ठीक है, इसमें आपकी डेथ वगैरह नहीं होती है कि आप उनको बहुत हैबिट है, आप हैबिचुअल हैं तो उसमें, बट जो एडिक्शन एंड अब्यूज़ एंड डिपेंडेंस की कंडीशन होती है वो बहुत सर्टेन टाइम तक अगर आपने उस चीज़ को अडॉप्ट किया तो वो जाके फेटल कंडीशन में कन्वर्ट हो सकती है। ड्रग विड्रॉल रिएक्शंस क्या होते हैं, अभी मैंने बताया कि जब आप मेडिसिन कोई ले रहे हैं लंबे समय तक और आपने सडनली वो विड्रॉ कर लिया अपनी बॉडी से, आपने बंद कर दिया वो लेना, तो वो विड्रॉल सिम्टम कॉज करेगा। कॉर्टिको स्ट्रेस ली है, एड्रिनल इनसफिशियंसी, बीटा ब्लॉकर्स है, वर्सिंग ऑफ एंजाइना है, ये हो गया, और क्या होगा, क्लोनिडिन जो होगा सीवियर एचएनटी हाइपरटेंशन कॉज करेगा, रेस्टलेसनेस कॉज करेगा, सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी होगा, ठीक है। टेराटोजेनेसिटी क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ ड्रग टू कॉज फीटल एबनॉर्मेलिटीज व्हेन एडमिनिस्टर्ड टू द प्रेग्नेंट मदर। देखिए टेराटोजेनेसिटी जो होती है वो जो प्रेग्नेंट वीमेंस होती हैं उनका जो फीटस होता है उसमें प्रॉब्लम जाके क्रिएट करती है। ड्रग कैन अफेक्ट द फीटस थ्री स्टेजेस, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। देखिए इसमें जो 17 डेज होते हैं स्टार्टिंग के, फेलियर ऑफ प्रेगनेंसी विच ऑफन गोज अननोटिस, इसमें जाके प्रॉब्लम हो जाती है। ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होगा, जब ऑर्गन डेवलप होने लगेंगे 18 डेज टू 55 डेज ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, इसमें डिफॉर्मिटीज प्रोड्यूस होंगे, जो बेबी होगा उसमें उसकी जो बॉडी होगा उसके जो ऑर्गन्स डेवलप होंगे उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टेज में क्या होगा, मोर देन 56 डेज जब हो जाएंगे तो डेवलपमेंटल एंड फंक्शनल एबनॉर्मेलिटीज कॉज होंगी उस फीटस में, दिस इज कॉल्ड टेराटोजेनेसिटी। एग्जाम्पल्स क्या होंगे इसके, एंटी कैंसर ड्रग आपने ले रखी है तो वो ये कॉज करेगा, ठीक है, मल्टीपल डिफेक्ट्स, एसी इनहिबिटर्स होंगे तो हाइपोप्लासिया ऑफ ऑर्गन्स होंगे, लंग्स एंड किडनी को इफेक्ट करेगा बेबी की फीटस की। म्यूटाजेनेसिटी एंड कार्सिनोजेनेसिटी क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ ड्रग टू कॉज जेनेटिक डिफेक्ट एंड कैंसर रिस्पेक्टिवली। देखिए म्यूटेशन क्या होता है, जो भी आपका डीएनए होता है डीएनए में जब कोई चेंजेस परमानेंट चेंजेस हो जाते हैं जो जब आप डीएनए में आपके जो परमानेंट चेंजेस हो जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड म्यूटाजेनेसिटी। इसमें क्या होता है, इसमें म्यूटेशन कॉज होता है, ठीक है। और कार्सिनोजेनेसिटी में क्या होता है, जो पर्टिकुलर केमिकल होता है उससे कैंसर कॉज होने का डर रहता है, जेनेटिक सेवरल ईयर टू डेवलप। एग्जाम्पल्स होंगे एंटी कैंसर ड्रग होंगे, रेडियो आइसोटोप्स होंगे, एस्ट्रोजेंस होंगे, टोबैको होंगे। ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज क्या होगी, ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल फिजिशियन
इंड्यूस्ड डिजीज होंगे, ठीक है। फंक्शनल डिस्टर्बेंस कॉज बाय ड्रग विच परसिस्ट इवन आफ्टर द ऑफेंडिंग ड्रग हैज़ बीन विदड्रॉन एंड लार्जली एलिमिनेटेड। सेलिसिलेट एग्जाम्पल होंगे सेलिसिलेट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पेप्टिक अल्सर कॉज कर सकते हैं आपकी बॉडी में। आइसोनियाजिड होते हैं हेपेटाइटिस कॉज कर सकते हैं, ठीक है। ओके थैंक यू।